चुनाव में हार के कारणों पर मंथन के लिए बुलाई गई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के दौरान एक क्षण ऐसा भी आया जब पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी भड़क उठे। यह वह क्षण था जब राहुल ने इस्तीफे की पेशकश की और एक ओर से किसी ने प्रियंका गांधी का पार्टी अध्यक्ष बनने की बात उछाल दी। थोड़े तीखे स्वर में राहुल बोले, मेरी बहन को इसमें मत घसीटो। राहुल के इस बयान को सियासी पंडित डिकोड करने में लगे हैं कि राहुल ने ऐसा क्यों कहा। क्या राहुल नहीं चाहते कि बहन कांग्रेस अध्यक्ष बने, या फिर राहुल अपनी दुलारी बहन को राजनीति के मौजूदा कठिन झंझावत से दूर रखना चाहते हैं। राहुल आम तौर पर क्रोधित नहीं होते। CWC की बैठक में भी हार के बावजूद उनके चेहरे से मुस्कान खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि जब हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद त्यागने का प्रस्ताव रखा तो भी उनके चेहरे में कोई नकारात्मक भाव नहीं थे। उनके इस्तीफे की पेशकश अंततः पार्टी ने ठुकरा दी। इस बीच राहुल ने पुरानी पीढ़ी के नेताओं को कुछ खरी खरी सुनाई। उधर कुछ लोग अचानक राहुल नहीं तो प्रियंका को अध्यक्ष बनाओ की बात उछालने लगे। ये लोग कौन थे, यह बात अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन राहुल ने इन लोगों की जमकर खबर ली। वे किंचित क्रोध होकर बोले, अध्यक्ष पद जरूरी नहीं कि किसी गांधी को ही मिले, और हाँ, कृपया मेरी बहन को इस सब में मत घसीटिए। इससे पहले राहुल ने कार्य समिति की बैठक में कहा था कि हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी, मैं कांग्रेस का अनुशासित सिपाही हूँ और बिना भय के संघर्ष करता रहूँगा, लेकिन अब मैं पार्टी का अध्यक्ष बनकर नहीं रहना चाहता। राहुल की पेशकश कार्य समिति ने नाकार तो दी, लेकिन अंततः होगा क्या, यह भविष्य के गर्भ में है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।